नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कि सपने में पेड़ का जड़ देखना कैसा सपना माना जाता है। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं कि सपने में जड़ देखना कैसा सपना होता है, यह आपके जीवन में किस प्रकार का फल लेकर आने वाला है। इस अवस्था में सपने का अर्थ शुभ होता है कि अशुभ होता है, आइए दोस्तों हम इस पर पूर्ण रूप से चर्चा करते हैं। दोस्तों यहाँ दो कंडीशन है, सबसे पहले कि आप पेड़ के जड़ों को देखते हैं या पेड़ के जड़ों को काटते हुए देखते हैं। तो दोस्तों या कटे हुए पेड़ के जड़ को देखते हैं तो यह कैसा सपना माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह बताया गया है कि सपने में पेड़ के जड़ को देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। जो व्यक्ति सपने को देखता है उसके दीर्घ आयु की निशानी होता है। दोस्तों सपने में यदि आप किसी पेड़ का जड़ काटते हैं या कटे हुए पेड़ का जड़ देखते हैं तो यह सपना लगभग शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह बताया गया है कि यह सपना बहुत ही अशुभ होता है। पेड़ का जड़ काटने का अर्थ ये हुआ कि आप कोई बहुत बड़े ही संकट में पड़ने वाले हैं, आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली हो या पहुंच चुकी है, धीरे धीरे आपके जीवन में परेशानियां शुरू हो चुकी है। तो ऐसे सपने आते हैं तो दोस्तों समझ लीजिएगा कि आपके लिए बहुत ही घातक है। दोस्तों यदि उस वृक्ष को आप काट रहे हो या कोई और भी व्यक्ति काट रहा हो लेकिन काटने का अर्थ अशुभ ही होता है, तो दोस्तों ऐसे सपने परेशानियों के संकेत होते हैं। तो दोस्तों आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करते और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।